हेलो गाइज, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। गाइज, आज का इस वीडियो हम बात करेंगे कुछ कॉमन मिस्टेक के बारे में, जो लोग जो गलतियाँ हम लोग जान अनजाने में करते, जिसकी वजह से क्या ना हमारा बाल बहुत गिरता है। ठीक है, तो वो जो छोटी छोटी गलतियाँ हम लोग करते हैं, मिस्टेक करते हैं, उस मिस्टेक के बारे में जानेंगे। अगर आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वीडियो देखोगे तो आपको भी पता चल जाएगा, चाहे गलती से हो या जानबूझ के हो, आप वो गलती कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो, हेयर फॉल तो होता, बहुत सारे रीजन की वजह से हेयर फॉल होता है। तो आज हम बात करेंगे जो छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से भी हमारा हेयर फॉल हो सकता है। तो अगर आप शुरू से लेके एंड तक वीडियो देखोगे, आपको भी पता चल जाएगा कौन सा गलती आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं तो हमारा जो कि रॉन्ग हेयर स्टाइल, जिसके पास देखो, जिसके पास बाल अभी झड़ गया या कम हो गया उसकी बात अलग है। ठीक है, जिसका अभी बाल है बट फिर भी बाल झड़ रहा है, देखो बाल झड़ने का लिमिट होता है। जैसे कि किसी पेड़ का पत्ते है, अगर 50-100 पत्ते डेली का गिरते हैं और फिर 50-100 पत्ते नया भी बनते, तो बाल भी ऐसे होता है। अगर आपको 50-100 आपके पास आपका सर पे पूरा बाल है, आपको 50-100 बाल झड़ रहा है डेली का, और नया बाल भी उगते हैं, वो नया बाल जो उगते हैं, वो नया बाल के लिए आपको अच्छा डाइट भी लेना पड़ेगा। उसको अच्छा करने के लिए आपको अच्छा डाइट चाहिए, अच्छा हेयर सप्लीमेंट चाहिए, वो सब चीज़ चाहिए। तो हम छोटे छोटे मिस्टेक के बारे में बात करेंगे, जो मिस्टेक हम लोग करते हैं जिसकी वजह से हमें पता नहीं चलता और हमारा हेयर फॉल होता। सबसे पहले मिस्टेक करते हैं हम लोग रॉन्ग हेयर कट, तो जिसके बाल होते हैं ज़्यादा, वो क्या करते हैं, बाल भी झड़ता है, वो लोग बड़े बड़े बाल रखते हैं। बड़े बड़े बाल रखते क्या है ना, आप अगर शैम्पू करते हो, कुछ भी करते हो, आपको बाल ज़्यादा झड़ता। अगर आपका भी हेयर फॉल हो रहा, अगर आपका बाल बड़ा है, हेयर बहुत ज़्यादा है उसकी और बाल भी बड़ा है, आपका हेयर फॉल हो रहा है, आपको छोटा करना चाहिए आपका हेयर को। और आप जिस तरफ से आपको जैसे जो कंफर्टेबल लगता है उसी तरफ करना चाहिए, ना कि बाल को ड्राई करके इधर उधर करना चाहिए। आपको बिल्कुल जो अगर बाल झड़ रहा है आपको छोटा कर दो, ट्रिम कर दो। ठीक है, उसमें क्या होगा ना, आपको आसानी से आपका ऑयल वगैरह लगा सकते हो, अगर कोई मेडिसिन दवा लगाना चाहते हो वो भी लगा सकते हो। अगर बड़ा बाल होता ना, आप आसानी से कुछ भी नहीं कर सकते हो। सपोज आपको कुछ ऑयल लगाना है, कुछ भी करना है, तो अगर आप छोटा बाल होगा आप आसानी से लगा सकते। सबसे बड़ी बात है, दूसरी बात हम करते हैं जैसे कि हमें डाइट अच्छा लेना चाहिए। ठीक है, जो कि मैं बोला ना आपको, जैसे बाल आपका गिरता है तो जो नया बाल होता है, नया बाल के लिए हमें अच्छा डाइट होना चाहिए। जो कि हम डेली का डाइट ले रहे हैं, उससे हमें क्या है ना, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। उससे हमें सप्लीमेंट वगैरह लेना चाहिए, अच्छा डाइट फॉलो करना चाहिए, जो कि हमारा हेयर रूट जो है, रूट को ग्रोथ करने में हमें मदद कर सके। कि मैं तीसरा मिस्टेक हम लोग करते हैं, जैसे जेल बालों पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जेल लगाते हैं और डेली शैम्पू करते हैं। आपको डेली शैम्पू करने से बचना चाहिए। आपको मैं पे बहुत बार बोल चुका हूँ, आपको वीकली 2 बार या 1 बार या 3 बार, 2-3 बार शैम्पू करना चाहिए। लोग बहुत सारे लोग क्या ना, डेली शैम्पू भी करते हैं, जेल भी लगाते हैं, उनको क्या है ना, कम उम्र में आपको पता नहीं चलता, जब आपका उम्र बढ़ता जाता है उसके बाद आपको मालूम चलता है, आपका हेयर फॉल जब होना स्टार्ट हो जाता है फिर आपको पता चलेगा शैम्पू में जेल में क्या दिक्कत है क्या नहीं है। सबसे बड़ा रीज़न है जो कि मैं बताने जा रहा हूँ, सबसे बड़ा रीज़न टेंशन। जिसका बाल एक बार क्या है ना गिरता है, तो उसके बाद क्या है ना, वो उसी चीज़ को लेके दिमाग में बैठा लेता है, मेरा बाल झड़ रहा है, मेरा बाल झड़ रहा है। तो उससे क्या है ना, ज़्यादा जो कि सबसे बड़ा हमारा टेंशन जो है वो ना, जो कि हम स्ट्रेस लेते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या है ना, टेंशन की वजह से उनका बाल ज़्यादा गिरता है। ठीक है, जैसे कि किसी का बाल झड़ रहा, वो उसी को ओवर थिंकिंग करके, मेरा बाल झड़ जाएगा, मैं क्या करेगा, ये हो जाएगा, तो उससे क्या होगा ना, आपका बाल ज़्यादा गिरने लगेगा। तो आप क्या है ना, उस टेंशन बिल्कुल लेना बंद करिए। ठीक है, टेंशन सबसे बड़ा दिक्कत है, अगर टेंशन लेते तो आपका ज़्यादा बाल झड़ता। ठीक है, और उसके बाद हो गया आपको डेली जो कि कम से कम 8 घंटे सोना है। ठीक है, तो आपको स्लीपिंग टाइम 8 घंटे सो गए, 8 घंटे अगर नहीं सोओगे ना, आपका चेहरा के साथ साथ आपका बाल में फर्क पड़ता है, आपका बाल झड़ना स्टार्ट हो जाता है। आपको नींद पूरी होनी चाहिए, 8 घंटे एटलीस्ट कम से कम नींद पूरी होनी चाहिए, जिससे क्या है ना, आपका बाल नहीं झड़ेगा, आपका शरीर भी सही रहेगा, आपका फेस भी सही रहेगा। तो आप कोशिश करें कम से कम 8 घंटे की नींद लेने के लिए।
उसके बाद जो आखिरी बात बता रहा हूँ, जो कि लोग क्या ना गलत हेयर प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है ना, बालों में कुछ भी लगा देते हैं, कलर वगैरह करते हैं, उसका ड्रायर करते हैं, ये सब चीज़ आपको कम करना चाहिए, कलर वगैरह नहीं करना चाहिए। अगर आपको इतना भी शौक है कलर करने के लिए, जो मेहंदी वगैरह मिलता है उससे आप कलर कर सकते हो बालों को, लेकिन ये गलत मलत प्रोडक्ट आप यूज़ करने से बचिए, ठीक है। तो ये जो मैंने पॉइंट्स बताए, जैसे कि आपको 8 घंटे का नींद लेना है, आपको एक्सरसाइज करो, ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, ज़्यादा ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करो, अगर आपका बाल झड़ता है तो उसके बारे में ज़्यादा सोचो मत, आप मेडिटेशन करो, प्राणायाम करो, जो कि आपको जिम ज्वाइन करो, जिम एक्सरसाइज करो, वो सब चीज़ करने से क्या है ना, आपका जो टेंशन दूर हो जाएगा। उसके बाद आपको डेली शैम्पू नहीं करो, आपको हफ्ते में 1-2 बार शैम्पू करो, आपको अच्छा डाइट फॉलो करो, और आपको कोई प्रोडक्ट अगर आप बाल ग्रोथ के लिए लगा रहे हो तो उसको आपको पेशेंस रखो, सबसे बड़ा चीज़ पेशेंस रखो, पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। आप कोई चीज़ अगर 1-2 दिन लगा रहे हो, 3 दिन के बाद आप सोच रहे हो नहीं रिजल्ट आ रहा, हम छोड़ देंगे, आपको पेशेंस रखना चाहिए, सबसे बड़ा चीज़ पेशेंस रखना चाहिए। तो ये जो मैंने पॉइंट्स बताया आपको, उम्मीद करता हूँ आपको आपका लाइफ में काम आएगा, जो कि आप कर रहे हो तो आपको भी समझ में आ गया होगा। ये सब चीज़ को बचने के लिए आपको बाल अगर हेयरलेस कम करना तो ये सब चीज़ को करना बंद करना चाहिए आज से। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल में फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए टेक केयर, बाय बाय।